अभी इस वक्त यूके की पार्लियामेंट में हम हैं और हमारे साथ ये ब्यूटीफुल लेडीज आपको दिखाई दी। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने यूके की पार्लियामेंट में अभी अपनी स्पीच खत्म की है और यूके ने जो हमारे साथ किया उसको यहाँ बताना बहुत जरूरी था कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 24.5% का था उत्पादन के क्षेत्र में, और उस समय यूके की मैं बात करूं तो वो 1.9% का था। लेकिन जब डेढ़ सदी के बाद स्थितियां बदली हुई नजर आती है तब ब्रिटेन यूके 18.5% पे जा चुका होता है और हम इंडिया 1.7% पर आकर खड़े हो जाते हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूँ आपके साथ सुम्बुलीरम। जिसकी आदत झूठ बोलने और नफरत फैलाने की हो वो भारत हो या इंग्लैंड कहीं भी झूठी बोलेगा, और यही हाल है आज तक को अपना इस्तीफा सौंप चुकी पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का। दरअसल चित्रा लंदन गई हुई थी जहां उन्होंने एक जगह भाषण देते हुए एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था और दावा किया था कि उसने ब्रिटेन के संसद में भाषण दिया है, लेकिन फैक्ट चेक करने वाले के संस्था ने चित्रा त्रिपाठी के इन दावों की पोल खोल दी है और देश के सामने बेनकाब करते हुए बताया है कि जिसे चित्रा त्रिपाठी ब्रिटेन की संसद बता रही है बल्कि वो ऐसी जगह है जो संसद भवन में डाइनिंग एरिया से मिलता है और वो आम लोगों के लिए खोला जाता है और वहां कोई भी गहरा जाकर भाषण दे सकता है। दरअसल चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के अवसर पर यूके के संसद में बोलने का मौका मिला, फिर मैंने उनसे कहा कि आप इतने उज्जवल हैं क्योंकि हमारे पास आपके साथ कई कोहिनूर हैं। जब आप आए थे तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के उत्पादन का 24.5% थी, डेढ़ सदी के बाद हम 1.7% थे। जैसे चित्रा ने ये ट्वीट किया कई फैक्ट चेक करने वाली संस्थाएं चित्रा के इस दावे की सच्चाई खोजने लगी। इसी बीच जब उन लोगों ने यूके पार्लियामेंट हाउस की तस्वीरों को खोजा तो उन्हें ये तस्वीरें मिली जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। गौर से देख लीजिए, ये ब्रिटेन के संसद की तस्वीर है। अब जब आपने ये तस्वीर देख ली तो जरा चित्रा के वीडियो को देख लीजिए। ये तस्वीरें स्पष्ट रूप से वीडियो में दिखाए गए एरिया से मेल नहीं खाती हैं। फिर फैक्ट चेक करने वाली संस्था ने तस्वीर से अलग अलग फ्रेम का इस्तेमाल किया और पाया कि ये एरिया हाउस ऑफ कॉमन्स के डाइनिंग एरिया से मिलता है जहां लोगों को आमतौर पर बोलने का अवसर प्रदान किया जाता है। मतलब ये कि ये ब्रिटेन के कैंटीन का इलाका है जो हर दिन जनता के लिए खोला जाता है और कोई भी यहाँ खड़े होकर भाषण दे सकता है। अब जरा इन फोटोज को देख लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र वही है जो चित्रा त्रिपाठी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में दिखाया गया है। इसके अलावा हमें स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट मिली जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स ने डाइनिंग एरिया को दोपहर के भोजन के लिए जनता के लिए खोल रखा है। मतलब स्टैंडर्ड की खबर की माने तो यूके के सदन के कैंटीन का इलाका हर दिन दोपहर को आम लोगों के लिए खोला जाता है ताकि वो वहां आकर भोजन कर सके। यही वो माइक लगाया गया है ताकि ये कुछ बोल सके। और आप चित्रा त्रिपाठी की वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं कि चित्रा भाषण दे रही है और लोग खाने पीने में व्यस्त है, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों को पता कि इस मंच पर कोई भी ऐरा गैरा खड़ा होकर ज्ञान पिला सकता है। हम आपको ये बात भी दिखाएंगे कि आखिर चित्रा त्रिपाठी ने वहां क्या कुछ कहा। उससे पहले आप चित्रा त्रिपाठी के एक और झूठ को सुन लीजिए जो वो खुलकर बड़ी बेशर्मी से झूठ बोलते हुए कह रही हैं कि मैंने यूके की संसद में अपना भाषण दिया तो यहाँ की महिलाएं मेरी तारीफ करने लगी। इस वीडियो को गौर से देखिए क्योंकि इसमें पीछे कुछ लोग आप खाते देख सकते हैं और सोचिएगा कि दुनिया में ऐसा संसद भवन कहाँ है जिसके अंदर लोग बैठकर खाना खाते हैं। अभी इस वक्त यूके की पार्लियामेंट में हम हैं और हमारे साथ ये ब्यूटीफुल लेडीज आपको दिखाई दे रही हैं। अलग अलग हैं इंडियन लेकिन रहती हैं बहुत सालों से अमेरिका और बाकी जगहों पे। आप कुछ कहना चाह रही थी मेरे बारे में? कहना चाहती हूँ ना, मेरा नाम है कुमारी, मैंने चित्रा जी के आवास से हूँ। वो इतनी खूबसूरत भी है और बातें तो ऐसे करती करती हैं जैसे माशा अल्लाह, और इतनी मेस्मराइजिंग है जैसे मैंने बहुत ही कम ऐसी औरतों को मिली हूँ मैं पूरी लाइफ में। मैं 30 साल से लड़कर रह रही हूँ, बहुत ही कम ऐसे आप ऐसे लोग। बिल्कुल सच सच बोल रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं मेरा कैमरा ऑन है इसलिए बोलना शुरू कर दिया। नो, मैंने यूके की पार्लियामेंट में अभी अपनी स्पीच खत्म की है। अब आपने ये झूठ तो सुन लिया तो आप चित्रा का वो भाषण भी सुन लीजिए जो उसने यूके के संसद भवन के कैंटीन में बनाए गए एक स्पेस में दिया है। जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो 24.5% का था उत्पादन के क्षेत्र में, और उस समय यूके की मैं बात करूं तो वो 1.9% का था। लेकिन जब डेढ़ सदी के बाद स्थितियां बदली हुई नजर आती हैं तब
ब्रिटेन यूके 18.5% पे जा चुका होता है और हम इंडिया 1.7% पर आकर खड़े हो जाते हैं। मैडम चित्रा से तो हम यही अपील करेंगे कि मैडम आप तो कमाल हैं, जब आप लंदन से भारत लौट आए तो दिल्ली के चांदनी चौक पर खड़े होकर यही भाषण दे दीजिएगा और ट्विटर पर लिख दीजिएगा कि मैंने भारत में राष्ट्रपति भवन में अपना भाषण दिया। झूठ बोलना है तो कुछ भी बोल लीजिए। तो चित्रा त्रिपाठी द्वारा बोले गए झूठ पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारी फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। शुक्रिया।